हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लिटिल वुमेन का एपिसोड नंबर 2 लेकर के आए हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है इनक्यूंग अपनी बहन इंजू को बता रही होती है कि अल्कोहल की वजह से उसे सस्पेंड कर दिया गया है। तो इनक्यूंग कहती है क्या मैं भी अपने पापा की तरह बन रही हूँ अल्कोहलिक, वो भी तो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक थे। तो इंजू उसको डांटती और समझाती है कि वो तो एक बहुत वीक हार्टेड थे लेकिन तुम बहुत स्ट्रांग हो और मैं तुम्हें कभी भी अल्कोहलिक नहीं बनने दूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं इनहाय पार्क्यूरे का पोर्ट्रेट बना रही होती है और उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रही होती है, तुम कितनी सुंदर लग रही हो और तरह तरह की बातें। उसके बाद पार्क हाय उससे पूछती है कि तुम अपनी फैमिली पे किस पे गई हो, तो इनहाय चुप हो जाती है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम इंजू को देखते हैं जो कि वो सारे बॉक्सेस खाली कर रही होती है जिसमें किमची रखी होती है और उन बॉक्सेस में पैसे रख देती है जो उसे हुआंग से मिले थे। इतने सारे पैसे देख के इंजू सोचती है कि अगर मेरे पास इतने सारे पैसे होते तो मैं उसे खर्च करती, मैं सुसाइड कभी ना करती। और यही सब सोचते हुए इंजू को लगता है क्या पता हुआंग ने भी सुसाइड ना किया हो, उसे किसी ने मारा हो। दूसरी साइड हम देखते हैं इनक्यूंग अपनी आंट से मिलती है पैसे के लिए। आंट को उसकी सस्पेंशन के बारे में पता चलता है तो वो इनक्यूंग को कहती है कि अब तो तुम सस्पेंड होगी, अब तो तुम मेरी कंपनी में आके काम कर सकती हो। इनक्यूंग ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छी थी इसीलिए उसकी आंट चाहती थी कि वो उसकी कंपनी को ज्वाइन कर ले। उसकी आंट ने एक बार उससे ट्रेडिंग करवाई थी तो उसने देखा था उसने कम पैसे को कितने ज़्यादा में कन्वर्ट कर दिया था, इसी वजह से वो चाहती थी कि वो उसकी कंपनी को ज्वाइन कर ले। इसीलिए उसकी आंट बार बार उसे इंसिस्ट करती थी कि वो उसकी कंपनी को ज्वाइन कर ले। इनक्यूंग को भी कभी भी रिपोर्टिंग नहीं करनी थी लेकिन वो क्या करती, वो जो पढ़ाई कर रही थी तो उसे फॉरेन जाके पढ़ना चाहती थी लेकिन उसकी आंट उसके इस मामले में कोई भी हेल्प नहीं करती है जिस वजह से इनक्यूंग को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। और उसके आंट का कहना था कि तुम्हें आगे पढ़ने की ज़रूरत क्या है, तुम मेरी कंपनी आके ज्वाइन कर लो, लेकिन इनक्यूंग नहीं मानी और उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम इंजू को देखते हैं जो डायरेक्टर सीन से कह रही होती है कि वो उनकी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगी। ये हुआंग ने उस पैसे को कहाँ छिपा रखा है और बदले में कुछ कंडीशंस रख देती है। पहली कंडीशन होती है कि उसे किसी और ऑफिस में ट्रांसफर किया जाए और डायरेक्टर शिन हुआंग को चोर कह के न बुलाए। डायरेक्टर शिन उसकी सारी कंडीशन मान लेते हैं, डायरेक्टर शिन उसकी बातों से एग्री हो जाते हैं और वो कहते हैं वो बिल्कुल हुआंग की तरह है और उसकी सैंडल की तरफ इशारा करके उसे चेंज करने के लिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत ही सस्ती सैंडल थी और उसे कोई कंफर्टेबल सैंडल बाय करना चाहिए, इसीलिए उसे नई सैंडल खरीदने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ इनक्यू 4 साल पहले एक सुसाइड मर्डर केस के विक्टिम की फैमिली से कांटेक्ट करती है लेकिन वो आदमी फोन काट देता है। रास्ते में जंगहो उसे देख लेता है और अपने घर पे बुलाता है। यहाँ पता चलता है कि इनक्यू और जंगहो एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे और वो दोनों क्लासमेट्स थे। तीनों बात ही कर रहे थे कि तभी इनक्यू के पास उसी फैमिली मेंबर की कॉल आती है तो वो उससे पूछता है कि उसने 4 साल पहले उसकी हेल्प नहीं की तो वो अब इस सुसाइड केस के बारे में क्यों जानना चाहती है। तो इनक्यू बताती है कि उसके पास पहले पार्क जयसिंह के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं था, पता चल गया कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। ये सुन के इन्फॉर्मर उससे मिलने के लिए रेडी हो जाता है और उसे किसी प्लेस पे बुलाता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम इंजू को देखते हैं जो कि डोयल के साथ हुआंग के घर पे जाती है और फिर वो डोयल को वहाँ से जाने के लिए कहती है और फिर वो अपनी पुरानी बातें हुआंग के साथ याद करने लगती है और वो हुआंग के पूरे सामान को देखती है जो काफ़ी महंगे होते हैं तो उसे समझ में आता है कि हुआंग यहाँ पे डबल लाइफ जी रही थी। कंपनी में वो बिल्कुल एक मामूली सी लड़की थी जो हर रोज एक ही कपड़े पहनती थी ज़्यादातर, लेकिन वो बाहर एक बहुत ही अमीर लेडी थी जो सिंगापुर ज़्यादातर आती जाती थी। उसके बाद इंजू को पता चलता है कि सोशल मीडिया पर उसका एक और अकाउंट है और जिसमें हुआंग उन प्लेसेस की फ़ोटो अपलोड किया करती थी जहाँ वो ज़्यादातर जाया करती थी और कैसे वो बाहर एक लग्जरियस लाइफ जी रही थी। अचानक वहाँ पर डायरेक्टर शिन आता है और वो पूछता है उसे वहाँ पर क्या मिला है तो वो उसे हुआंग का सोशल मीडिया अकाउंट दिखाती है और फिर उसे उस कमरे की चीज़ों की टोटल अमाउंट बताती है। तो डायरेक्टर शिन बोलता है कि मुझे इतने थोड़े से पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे बस पता करना है कंपनी के 7 मिलियन बॉन्ड कहाँ गए। वो हुआंग के सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक मांगता है ताकि वो पता लगा सके कि सिंगापुर में वो कहाँ रहती थी और वो इंजू को समझाता है कि वो कंपनी के साथ या उसके साथ धोखा करने की कोशिश भी ना करे नहीं तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वो इंजू को धमकाते हुए उसके बहुत करीब आ गया होता है जो कि इंजू को काफ़ी अनकम्फर्टेबल लग रहा होता है। तभी डायरेक्टर शिन की नज़र रूम में पड़े एक ब्लू ऑर्किड पे जाती है और जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और डर के मारे वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ इनक्यू जंगों के साथ वेट कर रही होती है जिसने उसे मिलने के लिए बुलाया था और काफ़ी टाइम हो जाता है वो आदमी मिलने नहीं आता तो इनक्यू को बाद में पता चलता है कि उस आदमी का एक्सीडेंट हो चुका है और तभी जंगों की नज़र पास में ही पड़े एक ऑर्किड पे जाती है। दूसरी तरफ इंजू शूज़ कंपनी में हुआंग के द्वारा दिए गए सैंडल्स को पहन के जाती है और वहाँ के एक वर्कर सॉन जोंग की से
उस सैंडल के बारे में पूछती है जिसने पिछले साल उसे खरीदा था। इंजू बताती है कि उसे ये सैंडल बर्थडे में मिला था, लेकिन ड्रिंक ज़्यादा करने की वजह से उसे याद नहीं है कि ये गिफ्ट किसने दिया था। वो डायरेक्टर शिन की फोटो दिखाते हुए कहती है क्या इन्होंने सैंडल को खरीदा था, तो वो कन्फर्म करते हुए कहते हैं कि हाँ ये डॉक्टर शिन ने ही खरीदा था और इसकी लिमिटेड एडिशन कोरिया में 3 है सिर्फ। ये सुन के इंजू का शक बिल्कुल डायरेक्टर शिन पर जाता है कि पक्का वो उसके मर्डर में शामिल है। इंजू ये कन्फर्म करने के लिए अपनी एक्स कलीग से मिलने जाती है। इंजू पूछती है कि हवाईयंग के बारे में रूमर किसने फैलाया था। वो कलीग कहती है कि मुझे खुद पूरा कन्फर्म है कि डायरेक्टर शिन और हवाईयंग का कुछ चल रहा था, क्योंकि डायरेक्टर शिन पुअर लड़कियों से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और जो लड़कियां सस्ती सैंडल पहनती हैं वो उन्हें ज्यादा पसंद आती है। इसे उनके इंजू थोड़ा डर जाती है क्योंकि कुछ टाइम पहले ही डायरेक्टर सिन ने उसकी सैंडल के बारे में उससे बात की। अब तक मिली जानकारी से इंजू काफी ज्यादा शॉक्ड रहती है। उसके बाद वो डॉल से मिलती है और अब तक उसे जितना कुछ भी पता चला है वो सब कुछ कनेक्ट करके डॉल को बताती है और कहती है कि जरूर इन सबके पीछे डायरेक्टर शिन का ही हाथ है। उसके बाद वो लोग नेट पे चेक करते हैं और कुछ टाइम पहले खबर और ऐसी ही आई थी कि एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था और उस लड़की की जो बॉडी थी उसने भी रेड हील्स ही पहन रखी थी जैसे कि हवाईयंग ने पहनी थी, और वो भी हवाईयंग की तरह एक बुककीपर ही थी और उसने भी बहुत महंगे महंगे सामान खरीदने शुरू कर दिए थे। और वो लड़की जिस कंपनी में काम करती थी उसमें भी डायरेक्टर शिन ही काम करते थे। ये सारे डॉट्स कनेक्ट करने के बाद इंजू रेडी होती है कि वो पुलिस के पास जाएगी और सारी बातें पुलिस को बता देगी, लेकिन डॉल मना कर देता है, कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, मुझे बस 70 बिलियन वॉन का पता करना है। तो इंजू कहती है मुझे लगा था हम फ्रेंड्स बन सकते थे। डॉल कहता है कि मैं भी हवाईयंग की तरह हूँ, जैसे उसे मनी पसंद था वैसे मुझे भी मनी ही पसंद है। तो इंजू को समझ में आता है कि हवाईयंग और डॉल एक ही चीज़ को वैल्यू कर देते वो है मनी। इंजू वहाँ से जाते वक्त सोच रही होती है कि हवाईयंग ने उसे 2 बिलियन वॉन दिए हैं, तो वो सोचती है कि इन पैसों से वो वही सब करेगी जो उसने हवाईयंग को बताए थे कि मुझे एक अपार्टमेंट खरीदना है, अपनी बहन को पढ़ाई के लिए देना है। इंजू सोचती है क्या ये 2 बिलियन वॉन की डील ठीक है या मुझे इसके बदले में तुम्हारी मौत का राज सबसे छिपाना पड़ेगा। इंजू हवाईयंग के घर के आसपास जो कैमरे लगे थे उनसे भी देखने की कोशिश करती है लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता है उसके। दूसरी तरफ इनकी भी ढूंढ रही होती है कि उसके इन्फॉर्मर को किसने मार दिया आखिर। उसके बाद वो दूसरे दिन उसका फ्यूनरल अटेंड करने के लिए जाती है लेकिन उसके फैमिली मेम्बर्स उसे वहाँ पे आने नहीं दे रहे होते हैं। इनक्यूंग पे वो लोग गुस्सा कर रहे थे क्योंकि 4 साल पहले जो सुसाइड हुआ था उसमें इनक्यूंग भी शामिल थी, पर इनकी उन लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देती और वहाँ पे फ्यूनरल अटेंड करती है और अपना कार्ड इन्फॉर्मर के भाई को छुपके से देके जाती है। उसके बाद इनक्यू जब घर पे आती है तो इंजू नीचे बैठी होती है और उसे सारी प्रॉब्लम्स अपनी बताती है कि कैसे हवाईयंग की डेथ हुई और कैसे वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कैसे कंपनी कॉर्पोरेट करने के लिए मना कर रही है, और वो ये कहते कहते रोने लगती है। तभी डिलीवरी बॉय एक पैकेज लेके आता है और इंजू उसे खोलती है तो उसमें एक सैंडल होती है रेड कलर की। इंजू सैंडल देख के बहुत डर जाती है क्योंकि इससे पहले जो 2 लेडीज मरी थी वो भी रेड कलर की सैंडल्स ही पहनी थी। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन हो रहा होता है। पार्क हीरेन फर्स्ट प्राइज जीतती है क्योंकि उसने अपना पोर्ट्रेट बनाया था। ये सब लाइव चल रहा होता है। जब इनकी इस न्यूज़ को देखती है तो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे याद आता है कि ये पेंटिंग तो इन्हाई बना रही थी और वो सोचती है कि ये प्राइस पार्क हिरन फिर कैसे जीत सकती है। दूसरी तरफ इनक्यू जंगहे से शेयर करती है कि उस सुसाइड केस में पार्क जे सिंह ही कल्प्रिट क्यों था। वो उसको सारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही होती है और वो उसको ये भी बताती है कि उसने रिपोर्टिंग करते वक्त काफी ज्यादा पेन सहा और काफी हॉरिबल चीजें भी देखी। इन्हीं सब चीजों से फ्रस्ट्रेट होकर उसने ड्रिंकिंग स्टार्ट कर दी। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम इंजू को देखते हैं जो डायरेक्टर शिन से पूछती है कि उसने उसे वो रेड सैंडल क्यों भेजी है, क्या अब उसका नंबर है मरने का। तो डायरेक्टर शिन कहता है कि उन 2 औरतों के मरने में मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने उन्हें धमकाया जरूर था लेकिन मारा और हम सबके ऊपर भी एक और है जिससे हमें सावधान रहना है। डायरेक्टर शिन कहता है कि कंपनी में जितने भी फ्रॉड हुए हैं, जितने भी गलत काम हुए, इन सबका चार्ज मैं लेने वाला हूं अपने ऊपर। अभी मैं प्रोसिक्यूटर के पास जा रहा हूं और मैं जेल चला जाऊंगा। और वो इंजू से आगे की इन्वेस्टिगेशन रोकने के लिए कह देता है। जैसे वो अपनी कार स्टार्ट करता है उसकी कार का कंट्रोल उससे होता ही नहीं है और उसकी कार क्रैश कर जाती है। क्रैश करने से पहले दिखाते हैं कि कार में ब्लू ऑर्किड रखा होता है और उसकी डेथ हो जाती है और इंजू उसको देखती रह जाती है ऊपर से बस। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। Thanks for watching.